हरे कृष्णा। जन्माष्टमी का वही पावन अवसर है जब हर साल आपसे मुलाकात होती है, भजन को लेकर, मंत्र को लेकर नारायण जी ने जो कंपोज किए, क्या कहेंगे आप आज? पहले जन्माष्टमी के इस पावन शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर नारायण अग्रवाल जी जो बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है और उस पर मुझे अपना भजन गाने का अवसर मिला। जो इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनको। और इन्होंने बहुत मेरे मुझ पर बहुत भरोसा रखा है, क्योंकि मैं तो एक नृत्यांगना से अभिनेत्री फिल्म जगत की, और फिर मैं एक सांसद बनकर काफ़ी मथुरा वृंदावन में ब्रजवासियों के बीच रह रही हूँ मैं, और उनका सेवा कर रही हूँ। और इसके बीच में मुझे एक गायिका के रूप में, पता नहीं इनको कैसा नज़र आया मेरे ऊपर, तो इन्होंने मुझे एक भजन इतने सारे दिए थे कि मुझे मेरे ऊपर भरोसा कर मुझे दिया, और मैंने सब गाया है। तो आई होप यू रियली लाइक्ड माय सिंगिंग। मैं वैसे सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन भजन गवाया है इन्होंने और मैंने गा लिया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सारे एक एक गाने बहुत अच्छे हैं, तो अभी भी इस हर साल मेरे से गवाते हैं। इस बार मैं आज इस बार भी झूले के ऊपर, जो राधा कृष्ण के जो झूला उत्सव जो हर जगह इस वक्त इस महीने में होता है, सावन के महीने में, उसी के ऊपर है ये गीत। सो दैट्स वेरी नाइस एंड आई एम श्योर यू विल ऑल लाइक इट। आप लोगों का अच्छा लगेगा ये गीत। मेरे मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आप देंगे तो मैं नहीं गा सकूँगी, बिकॉज आई एम नॉट ए सिंगर, आई टेल यू वेरी क्लियरली, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉइस एंड आई लव टू सिंग। सो उसके बहुत प्रेरणा मिलती है जब ये बोलते हैं कि गाना गाने क्या है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लिटिल प्रैक्टिस एंड देन सिंपल ट्यून में बना देते हैं तो मैं गा लेती हूँ। जब आप अपना गाना खुद सुना आपने रिकॉर्डिंग के बाद, आप खुद कितने बड़े क्रिटिक रहे नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कर देते हैं, बिकॉज सो मच ऑफ टेक्निकली आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी पॉलिश हो जाता है। वैसे मैं और भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपने सिंगिंग का, प्रैक्टिस भी करती हूँ मैं, तो संस्कृत का भी काफ़ी अच्छे श्लोक वगैरह मैं गाती हूँ, तो मेरा मन है और भी कुछ गाने का, नॉट ओनली लोक संगीत टाइप ऑफ थिंग, प्लस सम मोर लाइक संस्कृत का। हिमा जी ने गाया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपकी, लिरिक्स को हरे कृष्णा। जो कुछ मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, खुशी भगवान राधा कृष्ण की कृपा से होता है, उनकी प्रेरणा से होता है, और सदैव वो प्रेरित करते हैं, और वो प्रेरणा हमसे होते हुए नहीं, हिमा जी से होते हुए मुझ तक आ जाती है क्योंकि उन्होंने जब हमने उनकी सीडी निकाली थी जिसमें सारे लीजेंडरीज थे, पंडित जसराज जी थे और राजन साजन मिश्र थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे, पंडित शिव कुमार शर्मा थे, देश के दिग्गज मतलब लीजेंड्स उन्होंने कंपोज किया था, तब भी ये भरोसा भगवान की कृपा से, उनकी कृपा इन पर है और उन्हीं की कृपा हम पर है, तो हेमा जी ने उसकी प्रैक्टिस की और गाई और सबको उसमें रस मिला। तो दरअसल जैसा कि हेमा जी ने कहा कि कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, पर मैंने हरदम ये माना है और ये जाना है, जितना मेरा अध्ययन है, जितना मेरा ज्ञान है, कि भक्ति में भाव प्रधान है। अगर आपके पास भाव है तो आप कीर्तन करें, संकीर्तन करें, भजन गाएं, गीत गाएं, उसमें ऐसा रस आएगा कि हृदय आनंदित हो जाएगा और आत्मा को शांति मिलेगी और चेतना को शांति मिलेगी। तो मैं कुछ नहीं करता, मेरे जितने भी भक्ति पद हैं, लगभग 1000 भक्ति पद हैं, मैंने कभी नहीं लिखा, ठाकुर जी ने जब कृपा करी, जहाँ कृपा करी लिख ली, प्रयास करने से कभी कुछ नहीं बना, अप्रयास बनता है,
मैंने बहुत पहले सोचा कि हेमा जी को गाना है। जन्माष्टमी मेरा एक नियम है कि हम दोनों, हेमा जी और मैं, ठाकुर जी को इसी प्रकार से अपनी अर्चना करूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, वंदना करूं, ये भजन के रूप में करूं और गीत के रूप में करूं, मंत्र के रूप में करूं। तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ भगवान श्री राधा कृष्ण कृपा कर देते हैं और हम लोग कर लेते हैं, इससे अधिक और क्या कहें। और जब ये ब्रज की सेविका हैं, ब्रज की दासी हैं, तो भगवान क्यों ना कृपा करेंगे। आप पर ज़्यादा है, हम पर कम है? नहीं नहीं, अरे हम सब पर एक ही। देखिए हेमा जी प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभा की धनी हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज एक ड्रीम गर्ल से लेके ठाकुर जी के चरणों में, जैसे हेमा जी ने बताया, एक नेत्रांगना के रूप में, आज जब हेमा जी राधा के रूप में, यशोदा के रूप में, तो हेमा जी पे कृपा तो ठाकुर जी की बढ़ती जा रही है। और हेमा जी के बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता, हेमा जी हर तरह से और भी प्रतिभा हैं और भी आगे बहुत कुछ करेंगे। हेमा जी, जब आप गाने खुद सुनते हैं तो किस तरीके के गाने पसंद करते हैं? डू यू फील दैट यू वुड वांट टू सिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग? जैसे भी भजन है, मंत्र है, कुछ ऐसा गाना जो आप? मंत्र सब काफी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, वो सब मेरे से गवाया बड़ा। आई रियली एंजॉयड सिंगिंग दैट। देन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अभी हरि बोल के ऊपर गाया है मंत्र। एंड मंत्र में सिर्फ उतना ही मंत्र का वर्ड नहीं, उसके ऊपर इनका क्रिएटिव आइडियाज है, कुछ और भी डालते हैं, तो इट एनहांसेस द होल मंत्र। तो उसको कितना भी बार सुनेंगे, कोई भी गाड़ी वीडी में जाते वक्त भी बड़ा अच्छा लगे, सूदिंग इट विल बी। सो एंड इनका लिखना बड़ा सूदिंग है। एंड देन आई थिंक माई वॉइस इज ऑल्सो क्वाइट नीट एंड क्लीन, इट इज़ नॉट जैरिंग। मंत्र गाने के लिए एक पर्टिकुलर ये होना चाहिए, उसके हिसाब से अच्छा जाता है। नहीं पक्का? आपका फोन बजता रहता है। मैं यही कहूँगा कि जो अनुभूति, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति हैं, और जो अनुभूति, जो रस इनके गायन से, जो लोगों ने हमसे बताया और जो मैंने अनुभव किया, सिंगरों के गाने का तो एक अलग अपना अलग शैली होती है, पर जो इनकी आत्मिक शैली है, जो आत्मिक चेतना के साथ जो ये गायन करती हैं, उसमें भगवान ठाकुर जी मुस्कुरा देते हैं। इतना मुझे विश्वास है, इतना मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा है। जब आपका गाया हुआ भजन ठाकुर जी के सामने करता हूँ तो देखता हूँ कि वो हंस रहे हैं, उनके चेहरे में मंद मंद मुस्कान आ जाती है, यही उनका आशीर्वाद है। इससे अधिक और क्या कहूँ। हेमा जी, एज अ सिंगर, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस? आई मीन, जो भी गाना चाहे जरूर गाए, थोड़ा बहुत गाना सीख लेना चाहिए, फिर मन से दिल से गाना चाहिए, दैट्स ऑल। विद अगर भक्ति का गीत है तो भक्ति रस के साथ गाए, अगर रोमांटिक गाना है तो रोमांटिक मूड में गाए, तो वो बराबर फिर जम जाता है। Then there is no complication. आपने कभी कोई एक particular singer जो आपके inspiration रहे हो singing में? अभी देखिए, मेरा सारे बैले में सुरेश वाडकर जी ने बहुत सारे गाने गाए, इतना सुंदर गाते हैं कि I get inspiration. I feel like I also want to sing like that, but I can't sing. But he has made it so simplified my singing, so I'm able to sing. वैसे अनूप जलोटा जी इतना सुंदर गाते हैं, भजन का सम्राट हैं वो। ऐसे शंकर महादेवन जी, there are so many singers, they are all great. I mean, bhajan singers I'm talking about. उसके अलावा भी आजकल कितने नए नए उभरते कलाकार हैं, मैं मथुरा में भी देखती हूँ, बहुत अच्छे गीत गाते हैं। It's really wonderful to hear the youngsters singing so good. And गाना चाहिए आके आगे, and especially the young ones should come and learn this music. मैं भी जितना भी अभी जो अभी ये जो गाना अभी आज जो release हो रहा है, this I was practicing with the music director. That time my granddaughter was with me, Radhya, Asha's baby. So she also knows this song. Oh, that song. So she fully pura gana gaake batati hai. So we feel like, you know, recording her voice, because she is able to remember the whole song and she's singing with me. She's only 5-year-old. So like that, we can inspire the children also to participate in singing. Absolutely. Yes. And then especially when they go to sleep, if you are putting them to sleep in the night, you can sing all these shlokas
So it gets registered in their mind and then they will repeat it in the morning naturally. It's a very good thing. एक बात मैं और कह देना चाहूँगा फिर कि एक अभिलाषा इच्छा है स्वप्न है हेमा जी ने इतने 16-18 पद गा दिए हैं उसमें भगवान कृष्ण के जन्म से मथुरा से जाने तक की पूरी कथा बनती है तो मेरे मन में ये भाव है मैम से निवेदन भी किया कि क्यों ना अपने गायन पर एक एक घंटे की नृत्यनाटिका बना ले मैं खुद ही डर जाऊंगी माय वॉइस No, that is asking for too much. हिमा जी एक सवाल है मेरा पिछले 24 दिनों की मैं बात करूं तो गदर 2 ने 501 करोड़ का कलेक्शन किया आप कुछ कहना चाहोगे इस कलेक्शन के बारे में? It's amazing. It is his hard work. और इतना अच्छा काम किया है सनी देओल ने गदर में. So that is why the film is doing so well. And अच्छी कहानी है. लोग इस टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं which is like 70s एंड 80s के फिल्म के किस्म का है तो वो दोबारा ऑन द स्क्रीन देखने का बहुत मन था लोगों को जो उनके दे आर सो सैटिस्फाइड टू सी सनीज गदर 2 इट्स वंडरफुल फिल्म एवरीबडी इट्स अ प्रूफ तो हो गया अभी तो कितना बड़ा हिट हो गया है सो वी आर ऑल फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट आपने देखी मूवी गदर हां आई सॉ इट व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट वाज अ नाइस आई जस्ट टोल्ड यू इट इज अ वंडरफुल फिल्म एंड एवरीबडी हैज एक्टेड वेरी वेल And also that youngsters, Anil Sharma ji's son, he's also done very well. Utkarsh. Huh? You're talking about Utkarsh. Utkarsh. Utkarsh is really nice. Very nice. Thank you. Anybody else? Thank you so much. Ma'am, aap Radha Raman mein aaye the, tab main wahi thi, Vrindavan mein. Haan. To main ek ek to do mera rehti hu, bhi jaake. To aap jab jahan bhi jaate hain. Abhi interview jaate hain. Thank you so much, everyone. Okay. Thank you. Parul, I want you to ask the questions, please. Ji. Ji. It's a momentous occasion because हेमा जी एंड आई गो अ लॉन्ग वे बैक उनकी पहली फिल्म जो थी अवारगी मिशी प्रोड्यूस्ड आई थिंक अवारगी एंड मार्ग बोथ म्यूजिक कंपोजिशंस वर डन बाय मी एंड शी गेव मी अ कॉल एंड सेड अनु जी विल यू कम एंड रिलीज माय सिंगल आई सेड इट विल बी एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज हेमा जी इज नॉट ओनली अ ग्रेट एक्टर अ पॉलिटिशियन अ डांसर Absolute fabulous. Her love for her craft has been fabulous, and her belief, and her respect, and her love for Lord Krishna is there for all to see. Hema ji, when you meet her, it's always when we meet her, we say Radhe Radhe, and she's releasing a song which is composed by Mr. Vivek, and Kavi Narayan ji has written the. Kavi Narayan ji has written the song. And I'm looking forward to her singing because one thing about Hema ji, which I think I should add, is when she decides to do something, she does it to the best of her ability and she gives it her all. She's a huge motivation for me and for loads of people where through her hard work and dedication, she makes us realize that you can do it. You can achieve your target. You can come up in life again and again and again. If you put your mind to it, and that is what Hema ji. So I'm very proud to be here to release a singer. Looking forward to the music composition by Mr. Vivek and Kavi ji's beautiful words and Hema ji's voice, which I really am looking forward to. She's got a very sweet, soulful voice, a great ear for music, and I'm privileged to be here. Anu ji ke baare mein to main itna hi kahunga ki parshv sangeet ke kshetra mein जो आपने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है
आपको हिंदुस्तान के पास संगीतात्मक फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ऊंचा स्थान, उनका एक विशेष स्थान है। और आपके पिताजी सरदार मलिक जी से मेरी भेंट हुई थी, बड़ी मित्रता थी उम्र के साथ साथ, पर बड़ा हम लोगों के बीच में थोड़ा संबंध भी हो गया था। और ये नायक हैं, ये हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के नायक हैं, अधिनायक हैं, पटनायक नहीं है, अधिनायक हैं। इनकी विशिष्ट शैली और बहुत लोकप्रिय, जन जन लोकप्रिय, घर घर लोकप्रिय हैं, और अपनी प्रस्तुति से, अपने कंपोजिशन से सबका हृदय जीतते हैं, सबको आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, उमंग देते हैं, मौज देते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि ये जिसको छोटा स्क्रीन कहा करते थे, वो छोटा स्क्रीन हम नहीं रह गया, वो बड़ा स्क्रीन है, उसके भी आप नायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी, आप भी नायक हैं। और नायक होने के साथ साथ एक जज, जो जज होता है जिसे न्यायाधीश कहते हैं, तो ये न्यायाधीश के पद पर आपने बहुत नहीं कालांतर से बहुत सालों से काम करके चले आ रहे हैं, तो नई नई प्रतिभाओं को, ऐसी प्रतिभाओं को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि मैं ये स्वयं देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। कभी मैं सोचा करता था कल की लता मंगेशकर कहाँ मिलेंगे, कल की मोहम्मद रफ़ी कहाँ मिलेंगे, पर अनु मलिक जी अपनी चेतना से, अपनी विद्वता से छांट छांट के निकालें, भविष्य करें, उसमें कोई वहाँ तक तो ना पहुँचे, पर कभी उनके चरणों में बैठ कर कोई साधना संगीत कर ले तो बहुत बड़ी बात। जी, आपने आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत हृदय से आपके नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बलून, थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस। ये भूलना नहीं कि मैं जो कुछ बना हूँ ऊपर वाली की दया से बना हूँ, और आपके बीच में मेरी पत्नी है जिसकी वजह जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो आएगी नहीं, वो मेरी इंस्पिरेशन है, वहीं से राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो सर।